ऐसी कहानियां जो टीचर को सुनाओगे तो वो पढ़ाना छोड़ देंगे। एक प्रेजेंट नाम का कर्मचारी एक बाल्टी पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ खाना खाता था, पर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसके बैठने से पहले ही उस बाल्टी को लात मार के उड़ा दिया और उस पे जोर जोर से हंसने लगा। उसने ऐसा 7 दिन तक किया तो प्रेजेंट ने अपनी बाल्टी को काटा और उसमें नट और बोल्ट भर दिए और फिर उसे बंद कर दिया। जब उस आदमी ने उस बाल्टी में लात मारी उसका पैर टूट गया। गुस्से में उसने बाल्टी को उठाया जिससे नट बोल्ट चारों तरफ फैल गए। फिर प्रेजेंट एक दूसरी कुर्सी लाया और उस आदमी को सफाई करने के लिए कहा। एक लॉरा नाम की लड़की के हस्बैंड ने उसे बताया कि वो 2 हफ्तों के लिए काम से बाहर जा रहा है। उसके फोन को देखने पर पता चला कि वो एक औरत से मिलने जा रहा है। लॉरा ने अपने हस्बैंड को सबक सिखाने का सोचा, उसने उसे चुपचाप जाने दिया। फिर वो अपने काम पर लग गई। दरअसल उनका जो घर था वो लॉरा के मम्मी पापा के नाम था, तो उसने उसे एक वेबसाइट पर डालकर बेच दिया। वो घर से अपना सामान लेकर चली गई और अपने हस्बैंड का सामान वहीं छोड़ दिया। जब उसका हस्बैंड वापस घर आया तो उसने नए मालिक से लड़ना शुरू कर दिया। तब उन्होंने उसे घर के पेपर दिखाए। एक स्टोर में 2 औरतें अपनी ट्रॉली अटकाकर खड़ी हो गई और हटने से मना कर दिया तो एक हेड नाम का आदमी पीछे से आया और उनका सामान उठाकर भाग गया। वो औरतें भी उसके पीछे पड़ गई। फिर थोड़ी देर उन्हें भगाने के बाद वो उनके सामान को एक कोने में रखकर उस स्टोर से भाग गया। भी ऐसी कहानियां जो सुनोगे तो हंसने लगोगे। एक विंडमिल्टो नाम का बौन आदमी था जिसकी वजह से कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब वो रास्ते से जा रहा था वहाँ एक बच्चा अपनी मम्मी से खिलौने की जिद कर रहा था। उसकी मम्मी ने विंडमिल्टो की तरफ उंगली की और अपने बच्चे से कहा कि विंडमिल्टो सेंटा क्लॉस का कर्मचारी है और अगर वो चुप नहीं हुआ तो सेंटा उसे इस बार कोई गिफ्ट नहीं देंगे। इससे विंडमिल्टो को बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने का सोचा। वो उस लड़के के पास गया और उससे कहा कि इस बार सेंटा उसे नया आईफोन देंगे। ये सुनते ही लड़का खुश हो गया और उसकी मम्मी नाराज हो गई। एक सीसो नाम की औरत की बेटी की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, पर एक दिन उसकी बेटी रोती हुई घर आई। उसने बताया कि उसकी दोस्त की मम्मी ने उसे बहुत डांटा। उसकी दोस्त की मम्मी सीसो और उसकी बेटी को शैतान मानती थी। एक दिन जब सीसो की बेटी की दोस्त उसके घर खेलने आई तो उसकी मम्मी आकर सीसो के साथ लड़ाई करने लगी और अपनी बेटी को वहाँ से ले गई। फिर सीसो ने फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया और उसकी बेटी की दोस्त के पापा को मैसेज किया। वो आदमी भी उससे प्यार भरी बातें करने लगा। सीसो ने इसका स्क्रीनशॉट लिया और बेटी की दोस्त की मम्मी को भेज दिया। फिर अगले दिन वो आदमी घर से जाता हुआ दिखा। एक एलेक्स नाम के लड़के ने कुछ लोगों को पुल के नीचे सोते हुए देखा तो उसने अपने मम्मी पापा से क्रिसमस गिफ्ट में कुछ कपड़े और खाना मांगा जो उसके मम्मी पापा ने उसे दे दिया। वो चीजें जाकर उसने उन लोगों को डोनेट कर दी, जो काफी कमाल है।